ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी अब खबर का। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रोहिंग्या के खिलाफ यूपी एटीएस का अभियान शुरू हो चुका है। यूपी डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में इस अभियान को जारी किया गया है। अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्या को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, अभियान की शुरुआत होते ही अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। 74 रोहिंग्या बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में है। सहारनपुर से 2, हापुड़ से 12 और मथुरा से 29 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ से 7 तो वहीं गाजियाबाद से 3 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। तो चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जो है एनएचआई के ठेके में रिश्वत का मामला सामने आया है। निजी कंपनी का जनरल मैनेजर रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है। भोपाल रेल मंडल का बाबू भी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं जबलपुर में दोनों को रिश्वत लेते देते गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। ऑर्डरशीट देते समय बाबू से जो है रिश्वत दी जा रही थी, तो उसी को लेकर पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।